107 कमरे हैं और सारे बच्चों के कमरों को सील किया जा रहा है, जो वैध और अवैध दोनों कमरों को। अब इसमें से प्रशासन का कहना है कि जो सही लड़के हैं उनको फॉर्म छांट कर दोबारा इनको दोबारा रीअलाटमेंट किया जाएगा, इस वजह से कमरे सील हुए। जी जी, उमेश पाल के हत्याकांड की वजह से ही नाम आया था सदाकत का, इस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। सर, ये सदाकत का नाम आया था, हॉस्टल से जुड़ा हुआ था, इसलिए प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। सारे बच्चों का कमरे में ताले लगाए जा रहे हैं, सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, वैध और अवैध दोनों बच्चों के, और दोबारा रीअलाटमेंट बच्चों का किया जा रहा है। जो वैध होगा उनको उनके खिलाफ एक्शन होगा और वो बाहर जाएंगे।